नहीं भरे बोर्ड परीक्षा के फॉर्म, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ या घोर लापरवाही। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2023-24 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरे जाने थे, जिसकी अंतिम तारीख 30/9/2023 थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोहरी के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के बोर्ड के फॉर्म भरे थे, जिनकी अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, पर ना तो किसी शिक्षक ना ही प्राचार्य को उन तारीखों का ध्यान रहा, जिससे स्कूल के बच्चों के फॉर्म नहीं भर पाए। मामला जब मीडिया के संज्ञान में आया तब प्राचार्य महोदय से ये कहकर पल्ला झाड़ते नजर आई कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं प्राचार्य हूँ और फॉर्म तो भोपाल में भी भर जाएंगे। ये कहानी नहीं, हकीकत है। जिस स्कूल में फॉर्म का ध्यान नहीं रखा जा रहा, वहाँ आप समझ सकते हैं कि वहाँ का स्टाफ अपने कार्य के प्रति कितना जागरूक होगा। स्कूल के अगर हालात देखे जाए तो पता चल जाएगा कि पूरा स्टाफ कभी नहीं आता और जो स्टाफ आता है वो 2 बजे तक स्कूल के स्टाफ रूम में बैठकर चला जाता है। चूँकि इसी स्कूल में संकुल भी है तो प्राचार्य का विशेष ध्यान संकुल पर रहता है, जहां पर एक अपने चहेते CAC को बाबू तक का भार दे रखा है, जिनके कारनामे बड़े हैं। इससे पूर्व ये CAC शिवपुर में छात्रवृत्ति घोटाला लगभग 40 लाख में सेवा समाप्त हो चुकी थी, जो अब नए सिरे से शिक्षक बना है। फिर भी पोहरी संकुल पर लगातार धड़ल्ले से किया जा रहा है घोटाले पर घोटाला। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मामला आया है कि परीक्षा फॉर्म के लिए बच्चों ने आरोप लगाए हैं कि पेमेंट जमा कर दिया फिर भी परीक्षा फॉर्म नहीं भरे, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? फॉर्म जो है बच्चों ने, मैं कक्षा 12 की क्लास टीचर हूँ, बच्चे की हर साल मैं फॉर्म भरवाती हूँ, ऑनलाइन करवाती हूँ, किंतु इस बार ऐसा हुआ है कि शायद प्रिंसिपल जो है मान्यता फीस जमा नहीं किए होंगे, जिसके कारण 30 सितंबर लास्ट डेट था, तभी क्या है उन कारण जो है फार्म ऑनलाइन नहीं हो सका, और जो फीस थी वो फीस को जो है प्राचार्य जो है ले गए कि मुझे जो है मैं ऑनलाइन कराता हूँ। कितने बच्चे थे आपके पास? मेरे बच्चे जो है कक्षा 12 में 29 हैं। और टेंथ में? टेंथ की मुझे जानकारी नहीं है, 34 के लगभग होंगे मेरे ख्याल। और इसी बीच जो है मेरे प्राचार्य के पद पर जो है बिलौआ पोस्टिंग हुआ है, तो वैसे भी मुझे जाना था ज्वाइन करने के लिए, तो मैं जितने भी काम करती थी वो पूरे डॉक्यूमेंट्स, बच्चों के फीस, हाजिरी रजिस्टर, बोर्ड का जो भी काम करती थी, मैं पूरा सौंप के गई। संकुल में परीक्षा फॉर्म को लेकर एक मामला आया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मुझे आपके द्वारा ये बताया गया कि पौरी संकुल में बोर्ड परीक्षा के कक्षा 10वीं और 12वीं के फार्म संकुल प्राचार्य ने बच्चों से फीस लेने के बाद भी समय सीमा में नहीं भरे। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर फार्म भरने की थी। सभी बच्चों ने शासन द्वारा निर्धारित फीस संकुल प्राचार्य के पास जमा करा दी, और लेकिन संकुल प्राचार्य ने अपनी लापरवाही बरतते हुए और वो फार्म समय सीमा में नहीं भर पाए, और ना ही वो समय पर विद्यालय में बैठते हैं। मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष यहाँ के SDM साहब हैं, लेकिन SDM साहब को उन्होंने आज तक बताया भी नहीं है, ना ही किसी कार्यक्रम में उन्हें सम्मिलित किया है। जब भी वो आहरण वगैरह कुछ करते हैं तो भी SDM के संज्ञान में बिल्कुल नहीं लाते हैं। पूरी लापरवाही हो रही है। जब से ये संकुल प्राचार्य राजेश कुमार श्रीवास्तव पौरी में पदस्थ है, ना तो ये विद्यालय की साफ सफाई पर ध्यान दे रहे, ना विद्यालय की पढ़ाई लिखाई पर दे रहे। मैं जब भी जाता हूँ मुझे कक्षा भी लगी नहीं मिलती, बच्चे भी नहीं मिलते, एक पूर्ण रूप से लापरवाही बरत रहे हैं। मैं कई बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बात मैं पूर्व में भी ला चुका हूँ, लेकिन अभी तक इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये इनकी ऐसी लापरवाही और बच्चों का भविष्य अंधकार में होता है तो इसके अभी दिसंबर माह में 31 दिसंबर 2023 को ये रिटायर होने वाले हैं, इनके सारे क्लेम रोकने की सिफारिश मैं विभाग से करूँगा कि इन्हें किसी प्रकार का, अगर हमारे बच्चों का हित होता है तो इन्हें किसी प्रकार का कोई क्लेम ना दिए जाए। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराऊँगा कि वो जिले से एक टीम का गठन करें
और इस प्रकरण की जांच करें जिससे बच्चों का अहित होने से बचाया जा सके।